दोस्तों आज हर व्यक्ति की जुबान पर नाम था ONGC का। इस शेयर ने आज 4 से 5% का उछाल दिया तो पिछले 1 साल में यह 57% का प्रॉफिट जनरेट कर चुका है। दोस्तों ये कंपनियां गाली खाने के लिए बनी थी कुछ दिनों पहले तक। इनका रेवेन्यू भी घटता था, प्रॉफिट बढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वही कंपनी अब किन हौसलों की बात कर रही है आप स्वयं देख लीजिए। अंडमान में इन्होंने कच्चे तेल के लिए ड्रिलिंग का निर्णय लिया है। 3 कुएं आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब कहाँ एक्चुअली में छेद होना है उन जगहों को पिन पॉइंट किया जाना बाकी है। इसी साल मई महीने में ड्रिलिंग चालू होने वाली है। ONGC का कहना है कि डीप वाटर में समुद्र की गहराइयों से कच्चा तेल निकालना कठिन होता है। टेक्नोलॉजी के लिए हमने एग्रीमेंट एक्सॉन मोबिल टोटल सेवरॉन के साथ किया हुआ है, किंतु अभी क्या है वो कंपनियां हिचकिचा रही हैं। उन्हें मोदी साहब से कुछ और अपेक्षा है कि भारत सरकार कानूनी अड़चने हटाए, कानूनों में परिवर्तन करे। तो जब तक विधेयक पारित नहीं होता तब तक वो हाथ पर हाथ धरकर बैठेंगी, लेकिन तब तक ONGC किसी का इंतजार नहीं करेगी। देख लीजिए सरकारी कंपनी कह रही है जो कि पहले सिर्फ इंतजार किया करती है। उन्होंने तो घोषणा कर दी है कि हम तो ड्रिलिंग चालू कर रहे हैं, आपको बाद में आना है, आ जाइएगा, आपका स्वागत है। और दोस्तों ONGC तेजी से अंडमान में आगे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अंडमान का जो बेसिन है वहाँ कच्चे तेल के बहुत बड़े भंडार होने की संभावना है। और ये कोई हम और आप बात नहीं कर रहे हैं, ये शेवरॉन टोटल और एक्सॉन वगैरह ने डेटा एनालिसिस कर लिया है। उनको भी अपेक्षा है कि भाई साहब ये तो खजाने के ऊपर बैठे हुए हैं हम लोग, चूंकि ये बड़ा भंडार है इसलिए बाद में कोई पंगे ना हो, इसलिए वो भारत सरकार से कह रहे हैं कि जो भी कानून मानून बदलने हों वो पहले बदल दीजिए ताकि बाद में चिक चिक पिक पिक ना हो। मुद्दे की बात दोस्तों यह है कि अगर आपको लगता है कि अंडमान में हमारे पास कच्चे तेल के विशाल भंडार हो सकते हैं तो ONGC अभी और साथ में ऑयल इंडिया दोनों पर आप नजर रखिए। ONGC को तो अंडमान में ऑयल ब्लॉक मोदी साहब ने दे दिए हैं, जल्दी ही ऑयल इंडिया को भी अंडमान में ब्लॉक मिलेंगे। इतना बड़ा भंडार मिलेगा श्रीमान कि सऊदी अरब बौना हो जाएगा। अरे अंडमान के पास मलेशिया में इंडोनेशिया में सबके पास खुद के कच्चे तेल के भंडार हैं, तो क्या हम इतने अभागे हैं कि हमारे पास एक भी कच्चे तेल का कुआ नहीं मिलेगा। हम तो भाई साहब ये कहते हैं कि आशा पे आसमान टिका है, इसलिए हमने ONGC और ऑयल इंडिया दोनों में निवेश किया हुआ है और हम थोड़े बहुत मुनाफे के लिए नहीं खेल रहे हैं। पॉइंट दोस्तों यह है कि भारत विकसित राष्ट्र कभी नहीं बन सकता यदि हम बड़े पैमाने पर कच्चा तेल और गैस इंपोर्ट करें। तो एक डेवलप्ड भारत बनाने की कुंजी अगर किन्हीं दो कंपनियों के हाथ में है तो उनका नाम है ONGC एवं ऑयल इंडिया। ये कंपनियां आज से नहीं, लगातार 2 सालों से हम कवर कर रहे हैं। आप इन पर फोकस रखिएगा क्योंकि हमारा खुद का निवेश है, इसलिए हम रिकमेंडेशन तो दे नहीं रहे हैं, किंतु आप सभी चार्ट एनालिसिस करके खरीदने बेचने की कलाएं जरूर सीख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर्स एवं ऑप्शंस कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा।